अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, सऊदी जवाजात ने अपनी वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट पर एक नया ऐलान किया है सऊदी अरब में मौजूद खारजियों के लिए, तो इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल मरहबा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सऊदी जवाजात ने अपनी वेबसाइट पर एक नया ऐलान ये किया है कि अब जो भी खारजी अपने साथ अपना इकामा नहीं रखेंगे तो उन पर 3000 रियाल तक जुर्माना और कैद की सजा भी दी जाएगी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर इस पिक्चर पर देख सकते हैं, ये मैंने सऊदी जवाजात की वेबसाइट से ये पिक्चर ली है जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सऊदी जवाजात के डायरेक्टर जनरल के तर्जमान कर्नल तलाल शलूब ने कहा है कि खारजी अपना इकामा अपने साथ रखें। किसी भी खारजी का इकामा अगर उसके पास नहीं होगा तो उसको 3000 रियाल तक जुर्माना और 6 महीने तक कैद दी जाएगी, और ये दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। तलाल शलूब ने मजीद कहा कि दौरान तफ्तीश अगर किसी खारजी का इकामा चेक किया जाए, उसके पास 5 साल का इकामे का कार्ड हो लेकिन इकामा उसका एक्सपायर हो, तो उस पर 500 रियाल तक जुर्माना होगा और दूसरी दफा पकड़े जाने पर 1000 रियाल तक जुर्माना होगा, और तीसरी दफ़ा इकामा एक्सपायरी की खिलाफ वर्जी करने पर सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर आप लोग घर से बाहर जाएं तो आप अपना इकामा अपने पास रखें। अगर आप लोग गलती से भी घर में इकामा भूल जाते हैं तो उस पर भी अब सऊदी जवाजात वाले आप लोगों पर जुर्माना और सज़ा दे सकते हैं। तो इस जुर्माने और सज़ा से बचने के लिए आप लोग अपना इकामा अपने साथ हर वक्त रखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इस न्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस जुर्माने और सज़ा से बच सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।